प्रोफेशनल एथिक्स के इस लेक्चर सीरीज में आज हम डिफरेंट कमिटीज विच आर कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर एडवोकेट्स एक्ट 1961 इसके ऊपर बात करेंगे। आज के इस वीडियो में हम बेसिकली तीन कमिटीज के बारे में बात करेंगे। पहला स्पेशल कमिटी, दूसरा डिसिप्लिनरी कमिटी और तीसरा लीगल एड कमिटी। वैसे तो कई सारे कमिटीज हैं जो कि समय समय पर कॉन्स्टिट्यूट किए जाते हैं, लेकिन अक्सर एग्जाम में या तो स्पेशल कमिटी पूछेगा या डिसिप्लिनरी या लीगल एड कमिटी, और इनके ऊपर आपको शॉर्ट कमेंट्री करने को पूछता है। तो इस वीडियो में हम बेसिकली इन तीन कमिटीज के बारे में डिटेल में बात करेंगे। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां ऑलरेडी पीडीएफ नोट्स पड़े हुए हैं। ठीक, चलिए। तो कमिटी इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय बार काउंसिल। बार काउंसिल मे कॉन्स्टिट्यूट वेरियस कमिटीज फॉर इट्स स्मूथ फंक्शनिंग। अब देखो यहां पे कहा गया है बार काउंसिल्स, यानी दोनों ही तरह के काउंसिल्स के बारे में बात किया जा रहा है। नेशनल लेवल पे बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा और स्टेट लेवल पे डिफरेंट स्टेट बार काउंसिल्स के द्वारा। तो ये जो काउंसिल्स हैं, ये जो बार काउंसिल्स हैं, वो डिफरेंट कमिटीज को फॉर्मुलेट करती हैं अपने स्मूथ फंक्शनिंग के लिए। एडवोकेट्स एक्ट 1961 के तहत बार काउंसिल में कॉन्स्टिट्यूट फॉलोइंग कमिटीज। पहला कहता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्पेशल कमिटी इन एब्सेंस ऑफ इलेक्शन। पहला क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्पेशल कमिटी, स्पेशल कमिटी इन एब्सेंस ऑफ, किसके एब्सेंस में, इलेक्शन। हम जानते हैं कि बार काउंसिल्स समय समय पर इलेक्शन कराती हैं ताकि मेंबर्स को इलेक्ट किया जाए फॉर द मैनेजमेंट पर्पस। तो सपोज करो किन्हीं रीजंस की वजह से अगर बार काउंसिल्स टाइमली इलेक्शन कंडक्ट नहीं करा पाती हैं, तो वैसे कंडीशन में जिस कमिटी का गठन होगा उसे कहा जाएगा स्पेशल कमिटी। एज पर सेक्शन 8A ऑफ एडवोकेट्स एक्ट 1961, व्हेन स्टेट बार काउंसिल फेल्स, जब स्टेट बार काउंसिल फेल हो जाता है टू प्रोवाइड इलेक्शन ऑफ इट्स मेंबर्स, अपने मेंबर्स के इलेक्शन कराने में जब स्टेट बार काउंसिल फेल हो जाता है बिफोर एक्सपायरी ऑफ टर्म 5 years, यानी इलेक्शन का ड्यूरेशन कितना होता है, 5 years होता है। तो 5 years एक्सपायर होने से पहले अगर वो इलेक्शन नहीं करा पाता है या और एक्सटेंडेड टर्म एज द केस मे बी, सपोज करो इलेक्शन नहीं हुआ था बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 5 years, सपोज करो 1 साल या 2 साल के लिए जो मेंबर्स थे उनका ड्यूरेशन बढ़ा दिया गया था, तो उस एक्सटेंडेड टर्म के बाद भी स्टेट बार काउंसिल अगर इलेक्शन कंडक्ट नहीं करा पाती है, तो सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 8 ऑफ एडवोकेट्स एक्ट 1961, एडवोकेट्स एक्ट 1961 के सेक्शन 8 के प्रोविजंस के तहत बार काउंसिल शैल कॉन्स्टिट्यूट स्पेशल कमिटी कंसिस्टिंग ऑफ। तो बार काउंसिल क्या करेगी, स्पेशल कमिटी कॉन्स्टिट्यूट कराएगी जिसमें एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ स्टेट बार काउंसिल क्या होंगे, चेयरमैन होंगे, और अगर एक से ज्यादा एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हैं तो सीनियर मोस्ट जो होंगे वो क्या होंगे, चेयरमैन होंगे, और 2 मेंबर्स नॉमिनेट किए जाएंगे बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, तो ये है आपका स्पेशल कमिटी। अब
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिसिप्लिनरी कमिटी. डिसिप्लिनरी कमिटी हमने पढ़ा था कि जब एडवोकेट्स के खिलाफ कोई मिसकंडक्ट का कंप्लेंट आता है स्टेट बार काउंसिल में, तो स्टेट बार काउंसिल उस कंप्लेंट को रेफर करती है डिसिप्लिनरी कमिटी के पास. ठीक है, डिसिप्लिनरी कमिटी वेरिफिकेशन करती है, चेक करती है कि क्या इसके ऊपर, इस पर्टिकुलर एडवोकेट के ऊपर जो एलिगेशंस लगे हैं वो सही हैं या गलत हैं. अगर गलत हैं तो डिसमिस हो जाएगा कंप्लेंट, अगर सही है तो उसके कई सारे प्रोसीजर्स होते हैं, जैसे एडवोकेट को रिप्रीमांड किया जा सकता है, लास्ट वार्निंग दे करके छोड़ा जा सकता है, या उसे सस्पेंड किया जा सकता है फ्रॉम प्रैक्टिस. तो दीज आर सम प्रोसीजर्स विच आर टू बी फॉलोड बाई डिसिप्लिनरी कमिटी. तो डिसिप्लिनरी कमिटी बेसिकली एडवोकेट्स के डिसिप्लिन को मेंटेन करने का काम करती है. सेक्शन 9 ऑफ एडवोकेट्स एक्ट प्रोवाइड्स फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिसिप्लिनरी कमिटी. बार काउंसिल शैल कॉन्स्टिट्यूट वन और मोर डिसिप्लिनरी कमिटी. देखो यहाँ पे बार काउंसिल लिखा है, यानी फिर से यहाँ पे स्टेट बार काउंसिल एज वेल एज बार काउंसिल ऑफ इंडिया दोनों के ही बारे में बात किया जा रहा है. ठीक, तो बार काउंसिल शैल कॉन्स्टिट्यूट वन और मोर डिसिप्लिनरी कमिटी. ईच विल कंसिस्ट ऑफ 3 persons. ठीक है, प्रत्येक डिसिप्लिनरी कमिटी में कितने persons होंगे? 3 persons होंगे. ऑफ हुम 2 shall be persons. उन 3 में से 2 वो persons होंगे जो कि इलेक्ट किए जाएंगे काउंसिल से ही, मतलब बार काउंसिल के मेंबर से ही. और जो 3rd one होगा शैल बी पर्सन co-opted by council from amongst advocate who possesses qualifications specified in proviso to subsection 2 of section 3 who are not member of council. और तीसरा वो person होगा उन advocates में से होगा जो section 3 के subsection 2 में जो proviso हैं और जो qualifications हैं उन्हें वो fulfill करता हो. और ये काउंसिल के मेंबर्स में से नहीं होगा, ये एडवोकेट्स में से होगा. सीनियर मोस्ट एडवोकेट अमंग मेंबर ऑफ डिसिप्लिनरी कमिटी शैल बी चेयरमैन. अब डिसिप्लिनरी कमिटी में 3 members हैं, उन 3 में से जो सबसे सीनियर होंगे वो डिसिप्लिनरी कमिटी के क्या होंगे? चेयरमैन होंगे. अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो. जिन भी पॉइंट्स को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो सभी पॉइंट्स एज इट इज़ नोट्स में आपको मिल जाएंगे. तो वीडियो आप देखो और पीडीएफ से पढ़ो, आपको सभी पॉइंट्स एकदम आसान लगेंगे, सभी पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे. और अगर ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आता है तो आप इन्हीं नोट्स को जा करके वहाँ पर लिख देना. ठीक है, तीसरा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लीगल एड कमिटी. लीगल एड कमिटी यानी टू प्रोवाइड लीगल हेल्प, लीगल हेल्प प्रोवाइड करने के लिए पुअर पर्सन्स को जिस पर्टिकुलर कमेटी का गठन होता है उसे कहा जाता है लीगल एड कमेटी. सेक्शन 9A पैरा 1 क्या कहता है? अ बार काउंसिल मे कॉन्स्टिट्यूट वन और मोर लीगल एड कमिटीज. बार काउंसिल्स एक या एक से अधिक लीगल एड कमिटीज को गठन कर सकती हैं. Each of which shall consist of members not exceeding 9 but not less than 5. और प्रत्येक लीगल एड कमिटी में 9 से अधिक members नहीं होंगे लेकिन 7 से कम भी नहीं होंगे. तो 9 से अधिक नहीं होंगे, सॉरी, और 5 से कम नहीं होंगे. ठीक है, तो ये था डिफरेंट कमिटीज विच आर फॉर्म्ड बाई बार काउंसिल्स. अगर ये वीडियोज आपको समझ में आया है, पॉइंट्स क्लियर हुए हैं, तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियोज़ को लाइक करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए. अब अपने नेक्स्ट वीडियो में हम
बिजनेस और प्रोफेशन के बीच क्या डिफरेंस है, क्योंकि हमारा एडवोकेसी क्या है, एक प्रोफेशन है। तो हम प्रोफेशन किसे कह सकते हैं, प्रोफेशन का मतलब क्या है, और कैसे प्रोफेशन बिजनेस से अलग है, इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर हम अपने नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।